उतर गए हैं ट्रैक्टर से, तो ग्रामीण लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो गांव है ये नागौर लोकसभा का है। यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की थी। आप भी रुके भाई, क्या नाम है आपका? परमेश्वर लाल। परमेश्वर जी, तो आपका गांव यही है? हाँ, मैं किच्चे का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है लोकसभा के हम तो लोग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी 4 लाख से जीतेंगे। हनुमान बेनीवाल 4 लाख से, मतलब गठबंधन से खड़े हुए हैं। हाँ, 4 लाख से जीतेंगे। ज्योति का? ज्योति का तो पिछली बार तो हमने ज्योति को दिया था, लेकिन अब कांग्रेस को हनुमान जी को देंगे। विधानसभा में ज्योति को दिया था, लोकसभा में हनुमान नहीं। बीजेपी को नहीं देते हम वोट, कांग्रेस को देते हैं। दिक्कत? अब दिक्कत तो आपको दिखाई दे रही है सब जगह। बताओ तो, आप जब जनता के मुद्दे आप नहीं रखेंगे तो कैसे रखेंगे दूसरे भाई भी साथ? हम तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को जब दे देंगे काला धन आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा, और युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तब बीजेपी को दे देंगे। इनकी अपनी बात है, दूसरे बंधु हमारे साथ में है, इनसे भी बात करेंगे। अब गाँव में गर्मी ज्यादा है और यहाँ सारी चीज है, दिखाने के लिए आए भाई। क्या नाम है? देवीलाल। देवीलाल जी, गाँव कौन सा है? खाकोली। खाकोली। तो क्या माहौल लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल भाई मैं रहता नहीं इधर, मैं विदेश में रहता हूँ। मैं तो भाई नहीं, फिर भी अब गांव में तो आए हो ना, चर्चा चली रही होगी, भाई साहब से बातचीत रही। बताइए बताइए। मैं किसी का नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, मैं किसी को देता हूँ नहीं बात, बहुत मैं किसी को नहीं देता हूँ। अच्छा, विदेश में कहाँ रहते हैं? मैं दुबई रहता हूँ। दुबई रहते हैं, तो दुबई में हिंदुस्तान का कैसा स्थिति है? बढ़िया, हिंदुस्तान मंदिर बन गया, राम मंदिर का सब बढ़िया बनाया हुआ। दुबई में राम मंदिर बन गया। आप वहाँ पे मतलब वर्करी करते हैं अभी, मतलब कमा के वहाँ से आकर के यहाँ से जाकर के वहाँ कमा रहे हैं? नौकरी पेशा में ही है। तो वहीं अपना वहाँ क्या करते हैं दुबई में? टाइल मार्बल का। टाइल मार्बल का काम करते हैं। तो टाइल मार्बल का काम जब करते हैं तो बात करते हैं, तो युवाओं से भी कुछ बात करेंगे। युवा साथी यहाँ से रुकेंगे, भैया रुक जाना एक सेकंड, तो पहले इन भाई से एक बार बात कर लेता हूँ। तो टाइल मार्बल का आप काम करते हैं, थोड़ा सा महेश आगे से दिखाएं इनका चेहरा। तो यहाँ पे अभी टाइल मार्बल का आप दुबई में काम करते हैं, तो दुबई में भारत के डंके की अगर बात करें तो कैसा बज रहा है? बढ़िया बज रहा है एकदम। नरेंद्र मोदी का बढ़िया चल रहा है उधर? अच्छा चल रहा है। अब ये दो साथी हैं, भाई ने चश्मा लगा रखा है धूप से बचने के लिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या बात करेंगे आपकी, किस तरीके का चुनावी माहौल है, क्योंकि सियासी पारा जो है वो चढ़ने लगा है धीरे धीरे। देखो सर, अब जनता के ऊपर है, जनता तो आप भी हैं, वोटर आप भी हैं, माहौल क्या है? माहौल देखो कांग्रेस का बन रहा है अभी तो। कांग्रेस मतलब गठबंधन? गठबंधन। और ज्योति का? देखो ज्योति का नहीं, वो दल बदलू है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी हम तो कांग्रेस ही है। हमारे काम तो हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं कभी। हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें कांग्रेस से मतलब है। हमारे बाप दादा बुजुर्ग सबसे पहले हम कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही रहेंगे। आपसे भी बात करूंगा दोस्त, आपका क्या नाम? मेरा नाम हरी चौधरी है, गांव खाकोली है। अच्छा, तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल की यदि बात करें नागौर लोकसभा की, तो अभी की स्थिति को देखते हुए ज्योति मिर्धा का पलड़ा भारी है। अभी आपके सामने कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का, आप कह रहे हैं बीजेपी का, बताइए। सर अपना अपना मिजाज है, अपना अपना मिजाज है। देखिए मेरे पास में 3 यहाँ पे बाइकर जो है अब जा रहे हैं गांव में, लेकिन दोस्त एक सेकंड बात करेंगे, हम आपके गांव में आए हैं तो बात करने के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, गांव की सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको गांव के रास्तों में गिने चुने लोग मिलेंगे, क्योंकि घर पहुंचने की जल्दी होती है। मुझे पता है धूप है, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन पलड़ा क्यों भारी? पलड़ा ज्योति मिर्धा का इसलिए भारी है क्योंकि नागौर लोकसभा के अंदर पहले पिछली बार सांसद नहीं थे, उससे पिछली बार ज्योति मिर्धा सांसद थे, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जाके पर्सनल उन्होंने अपने काम करवाए, और पर्सनल प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर पर्सनल उन्होंने अपने हिस्से से डोनेशन दिया है ज्योति मिर्धा ने। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, नागौर में एक ऐसी भी ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें ज्योति मिर्धा ने अपने पर्सनल पैसे नहीं दिए। दोस्त क्या कहेंगे? सर अपने को तो कांग्रेस। आपका कांग्रेस? आपका क्या मन? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब हनुमान बेनीवाल। अच्छा हनुमान बेनीवाल, पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस का सिंबल नागौर से गायब हुआ है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस का सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा, गठबंधन में टिकट गई। गठबंधन पे टिकट इसलिए गई है क्योंकि कांग्रेस वालों को ऐसे पता था जीता नहीं जा सकता। यदि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे ताकि यहाँ से चुनाव माहौल बराबर बनाया जा सके। रमजान से तो यहाँ पे आगे, पिछली बार यदि हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस का सोपड़ा साफ होने का एक ही कारण है कि विधानसभा में कांग्रेस का सोपड़ा इसलिए साफ हुआ, मेरे जैसे जो युवा थे
वो बेरोजगार थे। 21-21 प्रधानमंत्री का रथ रोकने की बात कांग्रेस कर रही है, एनडी गठबंधन कर रहे हैं, सारे दल एक जाजम पे आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि 24 में मोदी का रथ रोकेंगे। सही, 28 जो 28 पार्टियां एक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, 28 पार्टियां एक हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश का युवा, नौजवान और किसान वर्ग भी मोदी के साथ है। निश्चित रूप से मोदी 2000 विपक्ष तो कह रहा है कि किसान जो है मोदी के खिलाफ है, गुस्सा है, नाराज है। बिल्कुल नाराज नहीं, वो अपनी अपनी बातें सब बोलते हैं, अपने हिस्से की बात सब बोलते हैं। लेकिन मैं किसान वर्ग से आता हूं, मैं बोल रहा हूं देश का युवा और किसान मोदी जी के साथ है, और आने वाले चुनाव में 2024 में मोदी जी फिर से सरकार, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। देखिए, हमने गांव में बात की, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, युवाओं से बात की, और मैं जिस गांव में चल रहा हूं, इस गांव में हर किसी से बात कर रहा हूं। कुछ और साथी हैं, उनसे भी बात करता हूं, रोक करके बात करूंगा। यहां पे बुजुर्ग भी मिल गए हमें। क्या नाम आपका? राम सिंह चारण। राम सिंह जी चारण, वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका राम जी चारण साहब। लेकिन 2024 का इलेक्शन जो है वो अब आ गया, आपके नागौर लोकसभा सीट पे हम आए हैं, तो क्या गांव का माहौल है, क्या इस लोकसभा सीट का माहौल है? लोकसभा सीट में ज्योति मिर्धा जीत रही है, यहाँ से भारी मतों से ज्योति मिर्धा जीत रही है। आपका क्या मानना है? यूथ है, आप तो युवा हैं, किसे पसंद? युवा का तो मानना है कि ज्योति मिर्धा यहाँ से निकल रही है अब की बार नागौर लोकसभा से। तो नागौर लोकसभा से ज्योति मिर्धा, आपका क्या मानना है? हमारे तो ये कहना है कि मोदी की लहर चल रही है साहब, हम तो मोदी का फैन है, मोदी के। आप दलित समाज से आते हैं? अच्छा, तो मोदी की लहर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में 21.5 लाख वोट हैं, 3.5 लाख दलित समाज के वोट हैं, 6.5 लाख वोट जो हैं वो जाट लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 6.5 लाख जो वोट हैं वो जाटों के हैं। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा है। तो हनुमान बेनीवाल जिन्होंने गठबंधन किया, उनका किस तरीके से रहेगा? उन्होंने पिछली बार गठबंधन किया तो बीजेपी ने उनको जिता दिया, अब की बार वो कांग्रेस ने कर लिया। कांग्रेस तो डूबता जहाज है, लोग तो कांग्रेस छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, वो पता नहीं कैसे चले गए। अच्छा, मतलब कि उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई। अगर बीजेपी से होते तो जीतते 100%। बीजेपी से होते तो जीतते, बिल्कुल जीतते। गठबंधन अगर बीजेपी से होता तो जीत जाते, पिछली बार ही जीता है उनको। नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका रथ रोकने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, वो कह रहा है कि हम तो एक साथ में रथ रोक देंगे इस बार। रथ रुकेगा नहीं, मोदी जी का नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा साहब, उसका मैं मोदी का इतना फैन हूँ कि आप बता नहीं सकता आपको। मैं बहुत बड़े फैन है, बता दीजिए हमारे दर्शकों। नहीं, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, ये मतलब कितने बड़े वाले हैं? मोदी से ज्यादा मैं योगी का फैन हूँ, मतलब एक साधु संत के हिसाब से, मतलब जितने यूपी में इतना ग्रहण जितने से, मतलब आपके मैं बता रहा हूँ कि मोदी जैसा मतलब ना मुख्यमंत्री बनेगा ना मनने जैसा, इस बहुत मस्त आदमी है। तो मोदी योगी, योगी भी बहुत मेरे राजस्थान में योगी भी काम कर रहा है। तो ये में बेच खेल रच दिया अनोखा मोदी, हुआ सोपड़ा साफ हार जकमार सोनिया रोते। क्या बात है, ये दोबारा से सुनेंगे, एक बार गाड़ियों का काफिला जो है वो निकल जाए, एक बार दोबारा से सुनेंगे आपसे। ये चीज गांव में ही मिलती है, ये किस्से कहानी जो शब्द है ना, ये गाँव से बेहतर सटायर कोई नहीं दे सकता। तो ये गाँव का सटायर है सियासी दलों पर। क्या साई रेल में बेच खेल रच दिया अनोखा मोदी, हुआ सोपड़ा साफ हार जकमार सोनिया रोती। वो अलाकमान है राज्यसभा में, उसको भेजते हैं जो जीत नहीं सकता, वो खुद भी चुनाव लड़ने से डरे तो कांग्रेस की सीट कहां से आएगी। चारण एक शब्द पे नहीं रुक सकता, चारण के तो शब्द ही बहुत अनोखे होते हैं, तो कुछ और भी बताई दीजिए जब शुरू कर चुके हैं। यूपी में जा करी गरजना अलक निरंजन योगी, नमो नमो सुन ठीक हो गया घना मानसिक रोगी। हाथी भाग्यो बिदक सभा से साइकिल पंचर होगी, कमल खिलियो जद कांग्रेस की दशा डूंगरा होगी। वाह वाह, धन्यवाद। तो जबरदस्त चीज है, मतलब ये कहते हैं कि गांव का सटायर जो है ना वो रुकता नहीं, और राजनीतिक समझ जितनी गांव के व्यक्ति को होती है कि कहां किस व्यक्ति को वोट करना है, किस पार्टी को वोट करना है और किसको निपटाना है, निपटाना का आश्चर्य यहां पे जो है वो ये है कि यहां पे गांव में जब आते हैं राजस्थानी गांव ढाणियों में जब बात करते हैं चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि निपटा देसी। तो निपटा देसी का मतलब ये है कि सामने वाले को किसको निपटाएंगे गाँव तय कर देता है, गाँव का जो युवा है वोटर है वो तय कर देता है।